अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं रमन एंड वेलकम टू माय चैनल 30 डे स्किन केयर गाइड में। आज हम लोग बात करेंगे वो तमाम लोग जिनको एक्नी स्कार्स या टाइनी पिट्स, यानी इस तरह का कि उनको यूँ लगता है कि जब एक्नी हट जाती है तो स्किन में जैसे खड्डे खड्डे से आ गए हैं, तो उस तरह का बहुत से लोगों को प्रॉब्लम हो जाता है। स्पेशली जिनको सीवियर टाइप की एक्नी होती है तो उनकी स्किन जब डैमेज होती है तो इसी तरह हो जाता है कि खड्डे खड्डे, और एज अ रिज़ल्ट आप कुछ भी कर लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आज हम उस पर बात करेंगे। और अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसके साथ ही अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। एंड बाय द वे, आप लोगों का रिस्पांस काफ़ी बुरा है। आप लोग जितने एक्साइटेड थे कि हाँ 30 डे स्किन केयर पर गाइड वीडियो बनाएं, आप लोग उतना ही कम उन वीडियोज़ को देख रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट गुड। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसकी जो रीज़न्स है, एक तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सीवियर एक्नी जिन लोगों को होती है अक्सर उनको ये प्रॉब्लम होता है। उसके अलावा जब आप इनको टच करते रहते हैं या इनको छीलते हैं अपने पिंपल्स को, तो एज अ रिज़ल्ट भी आपको एक्नी पिट्स हो जाते हैं। चिकन पॉक्स जिन लोगों को निकला हो उसका भी ये प्रॉब्लम होता है। और उसके अलावा जब आप अपनी स्किन के साथ बगैर किसी प्रोफेशनल या किसी स्किन स्पेशलिस्ट की राय के छेड़खानी करते हैं या कोई भी ट्रीटमेंट उठा के आजमा लेते हैं जिसका कि आपको ऑलरेडी पता भी नहीं होता, तो जब भी आप अपनी स्किन पर कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई भी नई चीज़ लगाते हैं, तो या तो आप किसी एक्सपर्ट से राय लें या उसकी प्रॉपर नॉलेज आपको होनी चाहिए। और उसके अलावा आप कोई भी स्किन के हवाले से चीज़ करें, पैच टेस्ट ज़रूर कर लें। पैच टेस्ट यही है कि आप स्किन पर या चीक की साइड पर जो भी चीज़ आपने करनी है उसको लगा के देखें। अगर आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता तो आप पूरे फेस पर लगा सकते हैं। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो देखें, बैड न्यूज़ ये है कि इसका ट्रीटमेंट आपको, अगर आप वाकई ही इसको जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं, तो वो डर्मेटोलॉजिस्ट ही कर सकता है। बेस्ट यही है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि मैं आपको होम बेस्ड टिप्स एंड ट्रिक्स तो बता दूंगी लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। 3 से 6 महीने, आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, कहीं नहीं गए। अगर कोई आपको कहता है एक दफ़ा करने पर या एक महीने में ही हो जाएगा, आपको रिज़ल्ट आ जाएगा, तो वो गलत है। तो अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो जो जो ट्रीटमेंट हो सकते हैं उसमें आ जाता है कि या तो वो आपको बोटॉक्स फिलर्स दे सकता है, लेज़र रिसर्फेसिंग, इसी तरह डर्माब्रेशन, केमिकल पीलिंग और फिलर्स वगैरह, ये कुछ ऑप्शंस हैं जो कि आपकी स्किन को देखते हुए डॉक्टर आपको रेकमेंड करेगा। थोड़ा प्राइसी हो जाता है, तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बेस्ट यही है कि आप इधर उधर के टिप्स आजमाने के सीधा डॉक्टर के पास जाएँ, ये ख़त्म हो सकता है, उसमें परेशान होने की बात नहीं है। दूसरी चीज़ जो आपने करनी है वो ये है कि आपने सनस्क्रीन ज़रूर लगाना है, क्योंकि जब आप सनस्क्रीन नहीं लगाते तो आपकी स्किन पर बहुत से इश्यूज सिर्फ इसी वजह से होते हैं कि आपने सनस्क्रीन नहीं लगाया। सनस्क्रीन के साथ मॉइस्चराइज़र भी आपने लगाना है। कुछ मॉइस्चराइज़र आपको ऐसे मिल जाते हैं जिनमें ऑलरेडी सनस्क्रीन का थोड़ा बहुत टच होता है, तो आप वो भी ख़रीद सकते हैं। तो आपने अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखना है, सनस्क्रीन ज़रूर लगाना है, ताकि आपकी स्किन वेल हाइड्रेटेड रहे, आपकी स्किन धूप से बची रहे और जो भी डैमेज वगैरह होता है उसे बची रहे। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप घर में क्या चीज़ बना के अपनी स्किन पर रोज़ अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको चाहिए 1 टेबलस्पून रोज़ वाटर, 1 टेबलस्पून ग्लिसरीन, 1 टेबलस्पून फ्रेश एलोवेरा जेल। फ्रेश एलोवेरा जेल आप लेंगे, स्टोर बॉट नहीं, क्योंकि स्टोर बॉट का कोई कंफर्म नहीं होता कि वो बिना किसी मिलावट के है या उसमें पता नहीं क्या कुछ मिलाया हुआ है। और लास्टली आप लेंगे 1 टेबलस्पून लेमन। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके आप फ्रिज में रख दें, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा नहीं बनाना, 1-1 टेबलस्पून ही बनाएं। और इसको आपने सुबह और रात को सोते हुए किसी भी टाइम लगाना है। सुबह में जब आप लगाते हैं, ये सारी चीज़ें इतनी यूज़फुल हैं कि इसके बाद आपको इसे धोने की ज़रूरत नहीं, बस अपनी स्किन पर लगा रहने दें एंड यू आर गुड टू गो। और रात को सोने से पहले आप लगा कर सो जाएं। अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि टाइम लगेगा। अगर आपके बहुत ज़्यादा एक्नी स्कार्स हैं या टाइनी पिट्स हैं तो वो ज़्यादा टाइम लेंगे, अगर आपके थोड़े इक्का दुक्का हैं तो वो जल्दी, शायद 1 या 1.5 महीने में भी वो ख़त्म हो जाएँ। लेकिन अगर आपके बहुत ज़्यादा, जैसे अक्सर लोगों का देखा कि पूरा पूरा चीक फिल होता है, तो उसमें 3 to 6 month कहीं नहीं गए। उसके अलावा जो एक चीज़ है वो है हिजामा, जिसको कपिंग थेरेपी भी कहते हैं, हर कंट्री में अवेलेबल होता है। अब आप ये ना पूछेगा कि कराची में हमें हिजामा स्पेशलिस्ट बता दो, दिल्ली में हिजामा स्पेशलिस्ट बता दो, क्योंकि मुझे नहीं पता, तो वो आपको खुद ही ढूंढना होगा। लेकिन बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया और बहुत ज़्यादा अफेक्टिव हो गया। फेस हिजामा आप करवाएं, फेस पर वो कप्स लगाते हैं, ऐसा रिजल्ट, फेस से जो भी इंप्योरिटीज़ होती हैं, गंदगी होती है, वो सारी निकल जाती है। तो हिजामा बहुत बेस्ट है आपकी स्किन के बहुत से इश्यूज़ के लिए। और लास्टली डर्मा रोलर, डर्मा रोलर पर मैं वीडियो बनाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक डर्मा रोलर नहीं ख़रीदा तो आप ख़रीद कर रख लें, आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और बहुत से इश्यूज़ को हम लोग उसी से ट्रीट करेंगे। बहुत आसानी से मिल जाता है, सस्ता होता है, ऐसा भी नहीं है कि आप कहें कि बहुत ज़्यादा महंगा है या पता नहीं कहाँ से मिलेगा, कहाँ नहीं, हर जगह से बहुत आसानी से मिल जाता है।
हर स्किन वाले उसे यूज़ कर सकते हैं और वो आप समझेंगे एक तरह की आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो डर्मा रोलर मैं आपको बताऊंगी किस तरह से यूज़ करना है और उसके साथ हम अप्लाई करेंगे विटामिन सी सीरम और आप देखेंगे कि आपके टाइनी पिट्स का इशू घर में ही सॉल्व हो जाएगा अगर आप स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें थी जिनमें से आपको जो भी आसान लगता है आप करें। जो मैंने आपको लोशन बताया उसको तो आप लोशन या क्रीम जो भी कह लें आप यूज़ करना इमीडिएटली शुरू कर दें अगर आपको एक्ने स्कार्स या टाइनी पिट्स का इशू है। दूसरी चीज़ हिजामा आप देखिएगा, अगर आप करवा सकते हैं एक ही दफ़ा आपने करवाना है और आप देखेंगे कि आपकी स्किन के बहुत से इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। डर्मा रोलर पर इसी वीक में वीडियो आएगी और आपको डर्मा रोलर का भी पता चल जाएगा। स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाना अफोर्ड कर सकते हैं तो आप स्किन स्पेशलिस्ट को ज़रूर विजिट करें। तो ये तो थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो यूज़फुल लगी होगी। आपसे फिर मुलाकात होगी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।